रात को अचानक मामा जी का फोन आया, बोले कल घर आना, कुछ जरूरी बात है। सच कहूँ तो उस वक्त थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन सफर का फैसला हो ही गया। कि वो कहते हैं ना, सफर तो यूं ही चलता है, कभी धूप में कभी छाँव में। रास्तों ने हमें सिखाया है मंजिल नहीं ठहरती तन्हाइयों में। और तभी कंडक्टर काका आए, वही अंदाज वही हाव भाव टिकट काटते हुए, जैसे ये रोज का ड्रामा हो। सोच रहा था काका के पास कितनी कहानियाँ होगी इन बस यात्राओं की। सूर्यदेव भी अपनी रोशनी बिखेर रहे थे, सुबह की वो चमकदार धूप जो बस के खिड़की से झांकते हुए अंदर तक सुकून देती है। अंत में मेरी मंजिल आ गई, बस ने अपने अंदाज में बाय कहा और मैंने सोचा सफर खत्म। लेकिन नहीं, अभी तो घर पहुंचना बाकी था। अब मुझे अगले डेस्टिनेशन के लिए लिफ्ट चाहिए थी। किसी से बात की और किस्मत से उनकी बाइक भी उसी दिशा में जा रही थी। चलो, सफर का ये नया मोड़ भी जुड़ गया। तो कुछ ही देर बाद घर पहुंचा, और घर पहुंचते मैंने पहले खाना खाया, और आगे का नेक्स्ट वीडियो में देखा।